दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी बचे हुए टुकड़ों में से डिजाइनर टॉप कैसे बनाएं। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो देखिए ये बचा हुआ टुकड़ा है और आज आपको बताऊंगी मैं 5 साल के बच्चे के लिए आप डिजाइनर टॉप कैसे बनाएं। तो देखिए हम इसको पहले खोल देते हैं पूरा। देखिए इतना हमारा कपड़ा है। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले आगे पीछे के लिए इसमें से कपड़ा कट कर लेते हैं। देखिए मैंने 14 इंच कपड़ा इसमें से कट कर लेते हैं। तो आगे पीछे दोनों के लिए लेना है। तो ये डबल फोल्ड है, यहाँ से मैं पार्ट कट कर देती हूँ। तो देखिए मैंने लंबे में पीस काट लिए है। अभी हम इसको खोल देते हैं और खोल के इसको पहले डबल फोल्ड इस तरह से कर लेते हैं और साइज़ के अनुसार इसको फोल्ड कर लेते हैं। अभी जो एक्स्ट्रा है वो साइड में रह जाएगा। तो जैसे बच्चे का साइज है 30, तो देखिए तैयार में 7.5 इंच आएगा। तो इसमें आप 1 इंच मार्जिन ले लें, मतलब 8.5 इंच ले लें आप। तो देखिए 8.5 इंच में मैंने ले लिया, ये हमारा एक्स्ट्रा क्लॉथ रहेगा। इसके बाद हम शोल्डर लेते हैं, ये हम स्लीवलेस बना रहे हैं तो शोल्डर 5.5 इंच ले लें। मुड्डे 5.5 इंच, और देखिए इस तरह से निशान लगा लें। और तैयार साइज भी हम ले लेते हैं। तो जो ये टॉप है बच्चों के में इतने ज़्यादा फिटिंग नहीं रहती है, ज़्यादातर ये इस तरह से स्ट्रेट रहते हैं। यहाँ पर गुलाई दे देते हैं हम 1.5 इंच की, आधा इंच की इस तरह से क्रॉस में दे देते हैं। उसके बाद नेक कट कर लेते हैं, ये नेक हम 2.5 इंच ले रहे हैं। तो ये आगे के में मैं निशान लगा रही हूँ 4 इंच, और इसको भी राउंड शेप दे देंगे। और जब दोनों पीस कट हो जाएंगे तब हम पीछे का कट करेंगे। तो देखिए यहाँ से तो 2.5 इंच लें, नीचे से थोड़ा सा ज़्यादा ले लें, तो इस तरह से ब्रॉड आ जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, जो साइज है ये कट कर लेते हैं। इसके बाद जो ये एक्स्ट्रा हमने आधा इंच क्रॉस में लिया, नीचे से ये क्लोज है, इसको भी कट कर देते हैं। तो देखिए अभी ये कट हो गया। अभी हम क्या करें, दोनों पीसों को अलग अलग कर देते हैं। ये पीछे का हो गया और ये आगे का, हमने नेक का मार्किंग किया हुआ है। ये हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट है। अब बैक में नेक कट कर लेते हैं। शोल्डर से सेम 2.5 इंच ही लेना है, लेकिन हम इसको ज़्यादा नहीं उतारेंगे, इसको हम 1.5 इंच ले रहे हैं क्योंकि हाई नेक ही अच्छा लगता है बच्चों के लिए। और यहाँ से ऐसे हल्की सी गुलाई देते हुए कट कर देते हैं। तो देखिए ये हमारा कटिंग कंप्लीट हो गया। तो देखिए अभी जो नेक कट किया है इसके लिए, जो आर्म होल है उसके लिए ये सब में क्रॉस कटिंग पट्टी यूज़ करेंगे हम। अभी हम करते हैं नीचे जो फ्रिल लगानी है। तो देखिए ये हमारा बचा हुआ टुकड़ा है अभी। तो इसमें से हम इनके 3 हिस्सा कर लेते हैं, जो जो ये पीस है इसके 3 पार्ट कर लेते हैं बराबर बराबर से, क्योंकि फ्रिल थोड़ा ज़्यादा रहेंगी तो ज़्यादा बेहतर लगती है। जो आगे पीछे इसको स्ट्रेट कर लेते हैं और इसके 3 पीस कट कर लेते हैं अलग अलग। तो देखिए ये 3 पीस हो गए। अभी क्या करना है आपको, इन तीनों पीसों को यहाँ से जॉइंट कर लेना है और फिर एक पीस को यहाँ से जॉइंट कर लेंगे। तो ये पूरा एक लंबी पट्टी तैयार हो जाएगी। लंबी पट्टी तैयार हो जाने के बाद एक तरफ आप पी को मशीने तो पी को कर लें, नहीं तो नॉर्मल स्टिच भी इस तरह से डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लेट डालनी है। तो देखिए प्लेट आपको नॉर्मली डालनी है इस तरह से, आधा आधा इंच चौड़ी प्लेट। तो ये आपको फ्रिल पूरी तैयार कर लेनी है पहले इस तरह से। जब फ्रिल तैयार हो जाएगी तो आपको यहाँ पे जो कमर है यहाँ पे आपको इसको स्टिच करना है। अभी बताती हूँ आपको कैसे सिलाई करनी है। तो देखिए इस तरह से प्लेट आप तैयार कर लेंगे तीनों पीस जॉइंट के। जो प्लेट तैयार हो जाए उसके बाद आप नेक तैयार कर लें।
नेक तैयार हो जाने के बाद आगे पीछे दोनों के आर्म होल तैयार कर लें। जब दोनों तैयार हो जाए फिर आप इसकी फिटिंग दे दें। तो देखिए इस तरह से इसकी फिटिंग आ जाएगी साइज के अनुसार। और फिर जो प्लेट है, आप जो फ्रिल बनाई है हमने प्लेट डाल के, इसको आप यहाँ पे अटैच कर लें। तो देखिए इस तरह से आप जब अटैच कर लेंगे तो इसका लुक कुछ इस तरह से दिखेगा। इस आसान तरीके से सुंदर सा टॉप बना सकते हैं बचे हुए टुकड़ों में से। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।